तो एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले अपने इस चैनल में बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग व्लॉग, सिटिंग व्लॉग्स और मोटो व्लॉग्स। एंड दिस डेज मोटो व्लॉग इज ऑन ट्रेंड, और मुझे भी मोटो व्लॉग करना काफी पसंद है। लेकिन बहुत से लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, हाउ टू शूट व्हाइल यू आर राइडिंग, विच कैमरा शुड वी यूज, एंड द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू माउंट कैमरा ऑन द हेलमेट। और अगर आपने भी यही जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एकदम सही जगह आए हैं। सो द फर्स्ट थिंग जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है वो है एक अच्छा हेलमेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक अच्छा कैमरा। तो पर्सनली मैं स्टील बर्ड का हेलमेट यूज करता हूँ विद ISI मार्क, जो कि 1500 से 2000 के बीच मार्केट में इजिली अवेलेबल है, और अभी तक की सारी राइड्स मैंने इसी के साथ की है। तो अब बात करते हैं कैमरा की। सो वी आर यूजिंग GoPro Hero 9 सिंस आवर फर्स्ट राइड, जो कि दिल्ली टू लद्दाख राइड थी। सो इफ यू हैव अ गुड बजट आप भी GoPro के साथ जा सकते हो, अदरवाइज देयर आर मोर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट, आप वो भी चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में जिनके बिना GoPro को माउंट करना मुश्किल है। तो लोग अलग अलग तरीके से GoPro को माउंट करते हैं। कुछ लोग M-Shield से माउंट को हेलमेट पे स्टिक कर देते हैं, और कुछ लोग स्ट्रैप का यूज करते हैं GoPro को हेलमेट पे माउंट करने के लिए। यू कैन गो विथ योर कन्वीनियंट। आई पर्सनली यूज दिस स्ट्रैप, जो कि काफी यूजफुल है विद द गुड क्वालिटी। अब ये कुछ माउंट्स है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। विद द हेल्प ऑफ दीस माउंट यू कैन सेट योर GoPro अकॉर्डिंगली टू एडजस्ट योर कैमरा एंगल्स। और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट अ राइट माउंट यू माइट डिस्ट्रॉय योर ऑल ट्रैवल फुटेज, क्योंकि एंगल खराब आ सकता है। तो अब बात करते हैं इसकी, हाँ जी इसी की, मतलब कि एक माइक की, जो कि आपको अपने हेलमेट पे सेट करनी। So you can choose any color mic जो कि market में easily available है, and we are using this Mauno। अब mic किस तरह set होगा ये totally depend करता है आपके helmet पे। Expensive helmet में padding remove करने के बाद you can set your mic wire inside the padding। But जो helmet मैं use करता हूँ उसमें मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। So now we talk about this adapter। मोटो ब्लॉग करते टाइम इफ यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड योर वॉइस थ्रू GoPro तो आपको इसकी या फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना अडेप्टर या मीडिया पॉड आप वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। सो वी आर यूजिंग अडेप्टर एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। बाकी दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप हमारी तरह इस अडेप्टर को यूज करते हो तो आपको यूलांजी का ये प्रोटेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। So if you want to protect your camera and adapter, तो इसमें दोनों के लिए dedicated space है where you can fit them। बाकी कुछ riders without protective case भी use कर लेते हैं, बाकी ये market में easily available। तो अब एक side हमारा helmet ready है और एक side हमारा camera। तो अब GoPro को helmet पे mount करते हैं। तो अब कुछ ये पूरा setup है जो कि हमने detail में describe किया है। अब बाहर चलते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो ये शाम का टाइम है, हम टेस्टिंग के लिए बाहर आ चुके हैं। अराउंड 7:30 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे। शटर ऑटो पे है, मैक्सिमम ISO 800 है, मिनिमम 100 है। तो ये कुछ एंगल आ रहा है। माउंट मैं जे यूज़ कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट लगता है मुझे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ एंगल है भाई, वॉइस आपको पता चली रही होगी, जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको बता ही दिया है। फाइनल एंड में यही कंक्लूजन है अपनी वीडियो का कि कैसा एंगल आ रहा है, कैसा शूट हो रहा है, ठीक है, कैसे सेटअप करना है वो आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है या कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नीचे आपको इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, तो वहाँ पर जाके अगर आपको कुछ पूछना है या कोई भी क्वायरी है इससे रिलेटेड तो आप वहाँ भी रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं न्यू प्लेस न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए वी आर ट्रैवल्स ट्रॉलर साइनिंग।